पूरा इसे वेपर बन के निकल रहा है बाहर की तरफ, तो ये धीरे धीरे आधे घंटे रख देंगे तो ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा होगा ये धीरे धीरे? क्योंकि इस चाय के आसपास के जो एयर होंगे वो ज्यादा गर्म होंगे, जिससे उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल ज्यादा सेपरेट हो जाएगा, डेंसिटी उसकी कम होगी, तो कम डेंसिटी वाला एयर ऊपर जाने लगेगा, ऊपर गर्म जो हवा हो गया ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे खाली जगह हुआ तो आजू बाजू वाले एयर एयर मॉलिक्यूल तो वाइब्रेट करते हैं, तो आजू बाजू वाले देखेंगे कि अच्छा यहाँ खाली जगह है, आ जाए यहाँ, आजू बाजू वाले सब यहाँ आ जाएंगे, ठंडा है, फिर से वो गर्म होगा, इसके कॉन्टैक्ट में जो आएगा चाय के कॉन्टैक्ट में, गर्म होकर डेंसिटी कम होकर ऊपर उड़ जाएगा, तो आजू बाजू वाले ठंडा हवा फिर से वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो गर्म हो रहा है वो मॉलिक्यूल ऊपर चला जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है। तो चाय का ठंडा होना कौन सा प्रोसेस है, कौन से प्रोसेस से चाय ठंडा होता है? कन्वेक्शन से।